हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस ब्रह्म संहिता सेशन में। हम संस्कृत श्लोक ब्रह्म संहिता के पढ़ेंगे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम् चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावितेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तम् अरविन्द दलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दरांगम् कन्दर्पकोटिकमणीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशम् गोविंदमादिपुरुषम् तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं चकन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषम् तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पंथास्तु कोटिशत वत्सर प्रसंप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यश्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाय यदन्ताः अंडांतरस्थपरमाणुचयांतरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजस्ततैव संप्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषाः सुक्तर्म एव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभा विभाभि ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनश्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तम् अशेष भूतम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद विताय माना सत्वावलम्ब्य परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसो यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्या लीलायितेन भुवनानि जयत्तजस्त्रम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा क्षये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुनामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। दीपार्च एव हि दशान्तरमभिपित्य दीपायते विभ्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आधार शक्तिमवलंब्य परां स्वमूर्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं। विश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदन्द्रनाथ विष्णुर्महान् सहयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा श्मशकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियद् प्रकटयत्यपि तत्त्व तत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्तयस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्ब मरुद्भिश्च कालस्तथात्ममनसि जगत्त्रयाणि तयस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अथ पाप निशया श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीट पतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभवः प्रकटः प्रभवा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्मिन्त गोपमथवेन्द्र महोस्वकर्मा बन्धानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि।
यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावये संचिन्ततस्य सदृशिं तरुमापुरेते गोविन्दमालि पुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्ता मणि गणमयितो यममृतम् कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्याद्यमपि स एत्र क्षीराब्धि शवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाध्याख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकमिदम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिभिरगचार कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। हरे कृष्णा, श्री भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता लाइव सेशन में। तो पिछले 7 श्लोकों में हमने चर्चा की भगवान कृष्ण का श्री विग्रह स्वरूप अंग कांति, भगवान श्री कृष्ण का धाम, धाम की महिमा, धाम का स्वरूप, धाम किस तत्वों से बना हुआ है, वो ऐसे भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, विधि, और ऐसी विधि जिन विधियों से भगवान कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप वेदेशु दुर्लभम सदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन आत्मभक्त के लिए अदुर्लभ है भगवान कृष्ण। और कुछ लोग जो भगवान की आराधना के लिए कुछ अलग अलग पंथ अपनाते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्स रसम प्रगम्य वायुर यथापि मनसो मुनि पुंगवानम सोप्यस्ति यत् प्रसिम्न विचिन्त तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत्स, शतवत्स करोड़ों वत्सर सालों बाद तपस्या के बाद और योग ध्यान साधना करने के बाद भी और ज्ञानियों का मार्ग अपनाने के बाद भी वो व्यक्ति भगवान के बड़े मुश्किल से चरणों के अग्र भाग तक टोक तक केवल पहुंच पाते हैं, उसके अलावा और नहीं जा पाते हैं वो यहाँ तक केवल। लेकिन वही भगवान के भक्त हैं, आत्म भक्तों अदुर्लभ, बहुत ही आसान तरीका उनको प्राप्त होता है भगवान को प्राप्त करने का। तो यहाँ तक चर्चा की, आज चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 8, दोहराइए साथ में। एको पेशौ रचयितुं जगदन्न कोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदन्नचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थ परमानुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एको पेशौ रचयितुं जगदन्न कोटिं, एको पेशौ एक अपि असौ, ऐसे वो भगवान एक है, परिपूर्ण भगवान है, जो अपने अपने खुद से अनेक अन्य जगत अंड को निर्माण करते हैं। जगदंड कोटिम, कोटि कोटि जगदंड निर्माण करते हैं। जगद अंड, जग इस ब्रह्मांड को, ब्रह्म अंड इस पूरे जगत का स्वरूप है, अंड के जैसा है, इसलिए उसको ब्रह्मांड या जगदंड कहते हैं। जगत का अंड, अंड के स्वरूप है। कैसे कितने कोटि 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 निर्माण करते हैं, रचयितुम रचना करते हैं, एको अपि अस्यो अपि बल्कि या अपि या यद्यपि, भगवान एक है लेकिन अनेकों कोटि ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं। लेकिन यत् शक्ति अस्ति, उनकी अपने शक्ति से निर्माण करते हैं, फिर भी अपने में घटोत्री नहीं होती है, भगवान में कोई माइनस नहीं होता है, भगवान की शक्ति में कोई कमतरता नहीं आती है, इसलिए भगवान को परम पूर्ण या स्वयं पूर्ण बताया जाता है। पिछले श्लोक में हमने चर्चा की इसके बारे में, भगवान को अच्युत और अद्वैत इस शब्द से ब्रह्मा जी पुकारते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान होल एंड सोल रहते हैं अंत तक, होलसेल रूप में, तो इसलिए। और भगवान अपनी शक्तियों को इन्वेस्ट करते, यत् शक्तिर अस्ति,
जगत जगदंड चया यदंतः यत शक्ति अस्ति। भगवान अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करते हैं इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के भीतर, जिसके कारण यह ब्रह्मांड कार्य करता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इसी को दोहराते हुए कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के जितने सारे ग्रह हैं उनको धारण करता हूं अपने में। गामा विश्व सर्व भूतानम, सारे जो भूत है, सारे जो ब्रह्मांड है, सारे जो ग्रह है, उनको अपने अपने कक्षा में घुमाने के लिए, ऑर्बिट में घुमाने के लिए मैं मदद करता हूँ, मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। इसलिए पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही भगवान से आती है। हर ग्रहों को एक अधिष्ठाता देवता निर्माण किया गया है जो उसका ख्याल रखे, उस ग्रह पर जो जीव है उनका ख्याल रखे, और उस ग्रह की जो स्थिति बना के रखी है भगवान ने, उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार वो कार्य करे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे, तो उसी प्रकार से ये पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति को भगवान ने इन्वेस्ट की है जीवों का पोषण करने के लिए उपयुक्त है। जैसे पृथ्वी को भगवान ने एक विशेष प्रकार की शक्ति इन्वेस्ट करके दी है पृथ्वी में, और उसकी अधिष्ठाता धरती माँ है, लेकिन वो उनकी अधिष्ठाती उनके अंदर कुछ विशेष शक्ति के द्वारा वो उनका पोषण करते जो जीव है इस पृथ्वी पर। लेकिन जब जीव ये पृथ्वी या प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर कार्य करना शुरू करती है, बंड पुकारना शुरू करती है, तो पृथ्वी अपने पोषक तत्वों को, द्रव्यों को वो छिपा कर रखती है और वो प्रदान नहीं करती है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में पृथ्वी महाराज के लीलाओं में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर पृथ्वी देवी ने सारे खनिज संपत्ति, फर्टिलिटी अपने अंदर छुपा के रखी थी, इसलिए लोगों को खान पीन में या कुछ फसल है वो उगने में समस्याएं, दिक्कत निर्माण हो रही थी। तो इस प्रकार भगवान ने ये सारी चीजें, तो भगवान की शक्ति भगवान ने भले कैसे इन्वेस्ट की है, शक्ति मतलब शक्ति केवल, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में अन्य जगह पर कहते हैं कि सूत्रे मणिगणा, ये वो उस श्लोक में बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, जिस प्रकार से ये जो ग्रह है वो एक मणि के जैसे है, और उसके बीच में जो सूत्र है, सूत्र मतलब धागा, वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ, मेरी शक्ति है, जिसके द्वारा ये सारे ग्रह एक लाइन में, माला में जैसे मोती है पिरोए जाते हैं और वो बिखरते नहीं है, वो माला में बराबर दिखाई देते, बराबर लाइन से रहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में हर एक ग्रह को मैंने जहाँ जहाँ रखा है और उसको एक शक्ति के द्वारा, वो सूत्र के द्वारा मैंने उसको बांध के रखा है। तो ये सूत्र के, शक्ति के द्वारा उसको बांध के रखा है वो सूत्र और वो शक्ति। वो शक्ति केवल उसको एक जगह पर रखने के लिए नहीं मदद करते हैं, लेकिन वहां पर उसका जिस कारण के लिए उसका प्रयोजन किया गया है, जिस प्रयोजन से उसका निर्माण किया गया है, वो प्रयोजित कार्य और वो ग्रह कर सके, इसकी वो शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। सूर्य में वो शक्ति प्रदान की है कि ये ब्रह्मांड का तपमान देकर, उजाला देकर, रोशनी प्रकाश देकर उसका ख्याल करे, तो वो शक्ति भगवान ने सूर्यदेव को दी है। वही उजाला प्रकाश भगवान ने चंद्र को दी है, लेकिन वही उजाला, वही प्रकाश, वही, लेकिन गुण उनके अंदर सूर्य से भिन्न, जिसमें पोषक तत्व है, मनुष्य के लिए पोषक तत्व है, पेड़ों के लिए पोषक तत्व है, फलों के लिए, फूलों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक ग्रहों के अंदर वो विशेष शक्तियां दी गई है, जिस शक्ति के कारण तो वो अपना कार्य करता है। यत शक्तिर अस्ति जगदंड चया यदंता अंडारं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम अंडांतर अंड अंतरस्थ अंड के अंतर अंदर भगवान खुद अपने आप को व्याप्त कर देते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है कि जो सब जगह विराजमान होते हैं, सब जगह विस्तारित होते हैं, ये विष्णु है, ऑल परवेडिंग भगवान। और भगवान जिस प्रकार से ऑल परवेडिंग है, इस अनेकों ग्रहों में जीवात्मा भी अपने हर एक के अलग अलग अस्तित्व के रूप में सब जगह पर विभाजित है, सब जगह व्यापक स्वरूप में है, सब जगह है वो। और भगवान अंडार अंडांतरस्थ परमाणु चय, तो अंड के अंदर सब जगह पर वो विराजमान है। केवल उतना ही नहीं, लेकिन परमाणु चयांतरस्थम, अणु
परम अणु, अणु के भी अणु के बीच में हर एक, इसलिए कहते हैं हम अणु रेणु में भगवान विराजमान है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर तात्पर्य में समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया है वो यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे हैं कि भगवान का अपना एक निजी स्वरूप है। एको प्यसो रचितुम जगदंड कोटि, कोटि जगत अंड, भगवान एक विस्तार करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको बनाते हैं और फिर वो अपने आप को उसके अंदर हर एक ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को व्याप्त कर देते हैं। अंडांतरस्थ अंड अंड अंतरस्थ, अंड के अंतर स्थ स्थित होते हैं भगवान व्यापक स्वरूप में, और इतना रूप में, और इतना ही नहीं केवल ब्रह्मांड में नहीं लेकिन ब्रह्मांड के भीतर जो छोटे छोटे अणु रेणु कण हैं उसके भी परमाणु के अंदर भी वो बैठे रहते हैं भगवान। तो हर एक अणु में, हर एक रेणु में भगवान है। तो ये भगवान का व्यापक स्वरूप, इसको भगवान का निराकार स्वरूप भी माना जा सकता है, निराकार एक रूप भी माना जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का अपना एक निजी स्वरूप भी है। तो कोई कहेगा कि भगवान निराकार है तो हम उसको आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि बोल सकते कि नहीं भगवान केवल साकार है। अगर हम भगवान को केवल साकार कहें तो भगवान कोई एक चीज उसमें नहीं है ऐसा हम प्रकट करने की कोशिश करते हैं। जो कोई चीज भगवान में नहीं है वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान निराकार नहीं है तो कुछ तो अपूर्णता होगी उनके अंदर, तो भगवान के अंदर वो भी अपूर्णता नहीं। भगवान ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि भगवान सब जगह परमाणु चयांतरस्थम, सब अणु रेणु में सब जगह विराजमान है भगवान। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया जाता है कि अगर सब जगह भगवान है तो मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सब जगह भगवान है हम उनको देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम अपने लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए हम मंदिर में अपने लिए जाते हैं ताकि हम वहां पर भगवान को महसूस कर सकें। और भगवान हर जगह पर विराजमान है, हर जगह पर स्थित है। इस श्लोक का पूरा अनुवाद इस प्रकार से, जो शक्ति एवं शक्तिमान में भिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परम अणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पर परमाणु चयांतरस्थम, भगवान अपना विस्तार कैसे करते हैं वो यहाँ पर पहले जो बताया उसको और थोड़ा सा विस्तार से कहते हैं ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, अपना विस्तार से विष्णु तत्व करते हैं, विष्णु तत्व में महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ऐसा विस्तार करते करते एक विष्णु से अनेकों ब्रह्मांड जगत अंड कोटि निर्माण करते हैं, फिर हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने के लिए एक गर्भोदक्षाय विष्णु है, और हर एक गर्भोदक्षाय विष्णु कि जो ब्रह्मांड में हर एक जीवात्मा में प्रवेश करने के लिए हर एक परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनका अपना एक स्वरूप भी और परमात्मा रूप में हर जगह पर वो विराजमान, अपना विस्तार करके विराजमान होते हैं। तो भगवान अपना विस्तार हर जगह पर करते हैं, अणु रेणु में कण कण में भगवान बसते बसे रहते हैं, इसलिए भगवान इस सृष्टि के केवल एक निर्माण कर आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन हर एक के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण रहता है। भगवान का नियंत्रण पूरे ब्रह्मांड हर एक चीज में रहता है और हर एक जीव के उनके नियंत्रण रहता है, और हर एक जीव के अंदर क्या घटनाएं चल रही है, क्या इच्छाएं चल रही है, वो सब भगवान उसको उसके ज्ञाता रहते हैं, सारी चीजों को वो देखते हैं। मनुष्य के बारे में अगर देखेंगे तो मर्यादा बहुत है, क्योंकि केवल उसके अपने अपने लेवल पर वो कुछ जान सकता है, वो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार कुछ चीजों को जान सकता है, अपने शरीर के भीतर भी क्या चल रहा है वो नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में होने के कारण वो भगवान हर एक चीजों को जानते हैं। हम अपने दृष्टिकोण से एज अ वैष्णव हम इसको ये दृष्टिकोण से सोचें, इस श्लोक को इस प्रकार से लें
कि भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान हर एक वस्तु में, हर एक कण कण में है, तो हर एक वस्तु को जब हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, तो रिस्पेक्टफुली उसको हैंडल करेंगे। बहुत बार तो रिस्पेक्ट हमारा होता नहीं है हैंडल करते समय, इसलिए बहुत बार हैंडल नहीं होता है। हैंडल मतलब हैंड आता है, हैंड से वस्तु को डील करते हैं, इसलिए हैंडल कहते हैं। लेकिन जब हैंड से डील नहीं करते, बहुत बार पैरों से डील करते हैं, कोई चीज उठाने के लिए, सरकाने के लिए, घसीटने के लिए, उसको हैंडलिंग नहीं बोलते। तो बहुत बार वो हैंडलिंग, हैंडलिंग नहीं, उसको क्या बोलेंगे, फुट के द्वारा उसको, उसका प्रयोग करते हैं, ट्रीट करते हैं उसको। वही प्रवृत्ति जब आगे ज्यादा बढ़ती है, तो जीवों के साथ, भक्तों के साथ भी उसी प्रकार से उसका बिहेव होना शुरू हो जाता है। तो ये एक गलत है, ये एक सोचना आवश्यक है कि भगवान हर एक हृदय में है, भगवान अणु रेणु में, यहाँ तक कि वस्तुओं में भी है। दूसरी बात यह है कि जो वस्तु ये भगवान के सेवा में हम लगा रहे हैं, वो भगवान का ही एक विस्तार है, बलराम जी उसका विस्तार करते हैं इस प्रकार से। और जो भौतिक प्रकृति है, वो भौतिक प्रकृति भगवान ने निर्माण की गई है जीवों के मदद के लिए, जीवों के सपोर्ट के लिए, जीवों को वो प्रकृति में रहकर अपना कार्य यहाँ पर उनको संपन्न करने के लिए भेजा है। वो संपन्न करने के लिए प्रकृति एक फैसिलिटी उसको क्रिएट करके देती है, तो इसलिए उसके साथ उसने उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उसका केयर करते हुए। नहीं तो वो प्रकृति अपनी जो कृपा है या अपनी जो शक्ति है वो वापस ले लेगी, जिस प्रकार से पृथ्वी महाराज के समय पृथ्वी ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी संपत्ति छुपा के रखी थी, नहीं तो वो छुपा लेगी। और उसके बदले में हम उसके प्रति अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो वो हमसे उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। और इस प्रकार से जो आजकल चल रहा है, बहुत सारे रोग और बीमारी या महामारी, ये सारी चीजें, ये प्रकृति का एक हमारे प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति एक प्रतिक्रिया है, एक रिस्पॉन्ड है। तो इस प्रकार से व्यवहार उनका हो सकता है। तो आज के श्लोक में हम ये सीखेंगे, और भगवान हर एक हृदय में है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं हर एक का। और कभी कभी ऐसे अफवाह आते हैं कि ये ग्रह है, वो रास्ता भटक गया है, वह दूसरे ग्रह को टकराने वाला है, और वहाँ बड़ा स्पोर्ट होने वाला है, और उसका बहुत बड़ी न्यूज होती है, और बहुत कौन किस शास्त्रज्ञ ने वो प्रयोग किया है, वो शोध लगाया है, उसका बहुत बड़ा नाम हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो ग्रह भी गायब हो जाता है, वो साइंटिस्ट भी गायब हो जाता है, किसको पता नहीं चलता है, और अफवाह कहीं चले जाती है, बस केवल हमारा टाइम पास हो जाता है, समय वेस्ट हो जाता है उसके ऊपर चर्चा करते करते। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई एक ग्रह आया, बस इतना तो जरूर हुआ है कि मनुष्य ने कोई छोड़ी है प्रयोगशाला या और कुछ, वो कहीं गड़बड़ होकर कहीं ना कहीं टकराने की संभावना तो होती है, लेकिन भगवान ने जो छोड़े इतने जन्मों से, इतने सालों से, वर्षों से, उसमें कभी कोई खराबी नहीं आई, क्योंकि उसका कंट्रोल रूम भगवान के हाथ में है, भगवान उसका कंट्रोल करते हैं, भगवान की शक्ति से उसको चलायमान रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म संहिता की जय, ब्रह्म संहिता महापुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय। किसी अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न यहाँ पर भेजा है किसी ने कि कृष्णा जी बांसुरी ऐकून राधा मोहित झाली होती, कृष्णा राधाचे प्रेम अटूट होते, तर राधाचे आणि कृष्णा सोबत विवाह का झाला नाही, राधाची भक्ती तर अटूट होती। तो प्रश्न ऐसा है कि राधा रानी कृष्ण के महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनका विवाह क्यों नहीं हुआ, ऐसे बताया गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है। राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने खुद कराया है वृंदावन में, उसके और बहुत सारे लीलाएं हैं, और आप उसको पढ़ सकते हैं। राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, और यहाँ पर अगर हम इस प्रकट लीला में, अगर जैसे यहाँ पर जैसे होता है विवाह होता है, वैसे विवाह अगर हमको नहीं दिखाई देता है, तो वो अगर हमारा प्रश्न रहेगा, तो उसका कारण ये है कि राधा और कृष्ण, भगवान कृष्ण को
परकीय रस का आस्वादन करना था। परकीय रस, परकीय जो भाव है उसका आस्वादन करना था, जिसमें अधिक आनंद होता है स्वकीय भाव से। तो फिर कृष्ण को वो उसको 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 चखना था, इसलिए प्रकट रूप से अगर देखेंगे तो कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ था, अभिमन्यु से हुआ था, लेकिन अंतरंग लीला से देखेंगे जहाँ पर ब्रह्मा जी खुद प्रकट होकर इन दोनों के दोनों का विवाह करवाया था भांडिर वन में, तो दोनों लोगों के लिए दोनों है। तो राधा कृष्ण एक व्यक्ति भी है, राधा और कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में, तो राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अलग नहीं है। राधा रानी कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की शक्ति है। जहाँ पर शक्ति है वहाँ पर शक्तिमान होते हैं, जहाँ पर शक्तिमान होते हैं वहाँ पर शक्ति होते हैं। तो विवाह हुआ है, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।